जियो ए देश कि पहरे पर ही जगे हुए हैं हम। वन पर्वत हर तरफ चौकसी में ही लगे हुए हैं हम। हिंद सिंधु की कसम, कौन इस पर जहाज ला सकता है? सरहद के भीतर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है? पर की हम कुछ नहीं चाहते, अपनी किंतु बचाएंगे। जिसकी उंगली उठी उसे हम यमपुर को पहुंचाएंगे। हम प्रहरी यमराज समान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक प्रहरी से अद्भुत कौन होता है भला? एक सैनिक से अकल्पनीय जिंदगी किसकी होती है? कहने के लिए एक सामान्य सा जीवन, कहने के लिए उनके जीवन में एक सामान्य सा दिन। लेकिन हम उसी एक दिन में उनकी ड्यूटी आपको बताएंगे तो आप कहेंगे यही है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। सड़क से सरहद तक, बाढ़ से सुरक्षा तक, एंटी टेरर से युद्ध तक तैनात। ये तस्वीर कई दफा इतनी आम हो जाती है कि इसका मोल भूल जाते हैं हम। पर आज हम इस आम का अद्भुत पहलू आपको दिखाएंगे। देश को बचाने का महान काम हमारे देश के जांबाज जवानों ने किया, सुरक्षा बलों ने किया, सीना तान करके लड़ाइयां लड़ी। हमारी सेना पर हमें गर्व है, उनकी वीरता पे गर्व है। ये लोग असली हीरो हैं, टू बी ऑन आई थिंक इन लोग को हम लोग की पूरी इंडियन टीम की तरफ से और जितने खिलाड़ी रहे हैं हमारे टीम के उनकी तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि जो ये लोग काम करते हैं हम लोग इत्मीनान से रहते हैं। ताकत अंदर होती है, जो आप लोगों के अंदर है, बिकॉज आप लोग जो करते हैं और जैसा कि मिठू ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, और हम आराम से घरों में सोते हैं आप लोगों की वजह से, और आप लोग हैं तो आप लोग हैं। इट्स हाई टाइम वी रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म। एज अ कंट्री हम लोग बहुत ही टॉलरेंट हैं, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी पुट अ फुट डाउन एंड वी शो व्हाट इंडिया कैन डू। घर के अंदर से पत्थर आए या घर के बाहर से गोली, जिस्म पर देश रक्षा के फर्ज की वर्दी पहने एक सैनिक डटा रहता है अपने मोर्चे पर। मौसम कितना भी कठोर रहे, तपती गर्मी या हाड़ गलाती ठंड, जब हम तापमान से बचने के लिए घर की चार दीवारी ढूंढते हैं, ये खुले मैदानों में तैनात रहते हैं। इसमें अब हम बहुत अलर्ट ड्यूटी करता हूँ, ठंड में भी गर्मी भी से अलर्ट में ड्यूटी करता हूँ सर। हमारा पूरा बॉर्डर का रात भर ड्यूटी है। इस ड्यूटी के दौरान हम कोई दुश्मन आता है उसको मार गिराते थे, और फेंसिंग को साथ साथ निगरानी रखते हैं, और आगे भी है ना हमारा HSTA लगा हुआ है, वो स्कैनिंग करता है, वो हमारे को टेलीफोन हमारा पास है, टेलीफोन करके बताने के बाद हम उसको ऑपरेशन करके मार गिरा देते। हम सबसे पहले आपको बर्फीली बुलंदियों पर ड्यूटी करते जवानों की आम दिनचर्या बताते हैं। यहाँ सर्दी के मौसम में न्यूनतम तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है, हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती हैं। सैनिकों की वर्दी गर्म होती है, पर कभी सोचा है लोहे की बंदूक का ट्रिगर भी लोहे का होता है? यानी जितना ठंडा मौसम उतना ही ठंडा ट्रिगर। सैनिकों को ऐसे ग्लव्स दिए जाते हैं जिनमें ट्रिगर पर लगने वाली उंगली बगैर प्रोटेक्शन रहती है और हमेशा ट्रिगर पर, यानी एक ठंडी सतह पर, एक एंगल पर लगातार मुड़ी हुई। शुरुआत में नमनेस होता है, उसके बाद अगर थोड़ी देर और ज्यादा रह जाए तो स्किन थोड़ी मोटी जैसे लगने लगती है, फिर इसकी नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती है,
और इसके बाद में सूनापन आ जाता है और स्किन में अल्सर्स भी डेवलप हो पाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं और बाद में अवस्था गैंग्रीन तक भी पहुंच सकती है और उंगलियां खराब भी हो सकती है। जहां पर सर मुश्किलें तो बहुत आती है, मगर हम उन मुश्किलों में भी देश की हिफाजत के लिए हर काम करते हैं। सियाचिन की ठंड तो इतनी अधिक होती है कि अगर उंगली ट्रिगर पर 15 सेकंड लगी रह जाए तो फ्रॉस्ट बाइट और हमेशा के लिए उंगली खो देने का खतरा रहता है। ऐसी ही तमाम मुश्किलों को देखते हुए सियाचिन के पोस्ट पर 90 दिन से अधिक की तैनाती नहीं की जाती। बहरहाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी स्थिति कोई खास आसान नहीं है, क्योंकि इस ठंड में सैनिक केवल बंदूक लेकर कुछ घंटों के लिए तैनात नहीं होते, बल्कि जवान दिन भर की ड्यूटी करते हैं और जो ही अंधेरा ढलता है उन्हें एम्बुश के लिए निकलना होता है। ये एम्बुश ऐसे हिस्सों पर लगाए जाते हैं जहां से घुसपैठ का खतरा रहता है। एम्बुश जंगलों में या खुले मैदान में घुप अंधेरे में लगाया जाता है। न तो कोई बंकर होता है, न सर पर छत। फिर चाहे बारिश हो, तूफान आए या बर्फ पड़े, सैनिक एम्बुश से हट नहीं सकते। वर्दी गर्म तो होती है पर वाटरप्रूफ नहीं, लिहाजा बर्फ पर एम्बुश में लेटे लेटे वर्दी गीली हो जाती है। घुसपैठ की फिराक में आतंकियों के पास उतने ही आधुनिक हथियार और उपकरण होते हैं जितना भारतीय सेना के जवानों के पास, लिहाजा उजाला होने तक सैनिक अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, यहां तक कि शौच के लिए भी जाने की इजाजत नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतना सन्नाटा होता है कि सांस की आवाज भी सुनाई देती है। रात के एम्बुश में अपनी सांसों पर भी सैनिकों को नियंत्रण रखना होता है। ऐसे मौसम में आजकल आतंकी जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की काफी कोशिश करते हैं, उससे बचने के लिए और उससे पार पाने के लिए हमने काफी अपने स्नो पेट्रोल्स को बढ़ा दिया है। हमारे स्नो पेट्रोल्स और एम्बुशेस आजकल ऐसे मौसम में भी दिन रात लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल में इन लाइन ऑफ कंट्रोल की रक्षा करते हैं। हम हाँ जी, हमारा रोज का काम है, हम डेली दिन और रात को कोई भी समय हो हम एम्बुश लगाते हैं। जिन रास्तों पर हमें जरूरत पड़ती है हम उन रास्तों पर एम्बुश लगाते हैं। हाँ जी, जहाँ भी घुसपैठ को रोकने लिए तहाँ जो इन्फिल्ट्रेशन ना हो और जब वो इन्फिल्ट्रेशन करता पकड़ा जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। अब जरा ये सोचिए कि ये एक रात की बात नहीं है, हर रोज 24 घंटे सतर्क, रोज रोज वही काम, फिर भी सतर्कता में चूक की गुंजाइश नहीं। सैनिकों को आतंकियों से छिपना है और उन्हीं आतंकियों को ढूंढकर नष्ट भी करना है। इन परिस्थितियों में एक सैनिक लगातार तैनात रहता है। यहाँ पर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जो भी फेंस लगी हुई है इसमें हम दिन में सर्च करते हैं और रात में 50-50 मीटर के ऊपर जगह ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं। जैसे ही कोई मिलिटेंट इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है या इन्फिल्ट करने की कोशिश करता है तो हम उसको मार गिरा देते हैं। अब सियाचिन आदमी तो 3-6 महीने तक रह सकते हैं, कभी कभी 3 महीने के बाद वापसी हो जाती है, कभी कभी 6 महीने के बाद वापसी हो जाती है। लेकिन जो शांति काल है या अर्ध शांति अर्ध युद्ध ऐसी व्यवस्था में है वहाँ पर अधिक समय के लिए भी रहते हैं। ये तो बात हुई एम्बुश की, जो एक सामान्य सैनिक की सामान्य ड्यूटी है। ऐसे में कभी ऑपरेशन के लिए तैनाती हो जाए तो जरा सुनिए ये अकल्पनीय ब्यौरा। किसी भी ऑपरेशन के दिन निर्धारित नहीं होते, इसमें एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक का वक्त लग सकता है, यानी उसी गीली वर्दी में लगातार उतने दिनों तक तैनाती। और इस दौरान खाने पीने के लिए भी कोई गर्म खाना नहीं मिलता है, बल्कि मटरी, चॉकलेट या ड्राई फ्रूट से काम चलाना पड़ता है। हमारा पहला काम है कि कठिन परिस्थितियों में भी रह के हम अपने देश की सेवा करें, ताकि जो भी हमारे भाई बंधु है वो अपने अपने घरों के अंदर चैन का नींद सो सके। रही तकलीफ की बात, तो तकलीफ ऐसा कोई कुछ भी तकलीफ हमें नहीं है, कारण कि हम इसी तकलीफ के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग करते हैं और सालों साल से ट्रेनिंग करते आए हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि एक सैनिक के शरीर पर बुलेट प्रूफ और हथियारों का कितना वजन होता है। जवान जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं उसका वजन 12 से 15 किलो के बीच होता है। उसमें राइफल की मैगजीन लगभग 1 किलो की होती है। सिर पर कपड़े और मेटल का बना पटका होता है, ज
जिसका वजन लगभग 3.5 किलो होता है। अब हथियारों का वजन भी देख लीजिए। हमेशा सावधान की मुद्रा में 4 किलो की AK-47 राइफल या 6 किलो की LMG गन रहती है। ऑपरेशन और जरूरत के मुताबिक 15 किलो का रॉकेट लॉन्चर भी कंधे पर रहता है। बर्फ के दिनों में 4 किलो का एक और जैकेट भी सैनिकों के शरीर पर रहता है। बहुत भारी है सर, ये कैसे पहनते भी जरा जवान? ये पहन के तो भागते भी नहीं, ये हेलमेट से तो हमारे ऐसे 10 हेलमेट होंगे। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट सबको दिए गए हैं और साथ ही एक हेलमेट भी, जो थोड़ी देर में मैं लगाऊंगी यहाँ पर, जिसे पटका कहा जाता है। बहुत ही भारी वजन उसका होता है और इस बुलेट प्रूफ जैकेट का भी वजन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर हम तो कुछ देर के लिए जा रहे हैं, बताया जाता है कि दूसरी तरफ जो पहाड़ी है वो पाकिस्तान के कब्जे में है और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि दुश्मन देख रहा है, ये बात आप बार बार सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर आना एक बात है, एक दिन कुछ पल बांटना अलग बात है, लेकिन उन प्रहरियों के बारे में सोचिए जो दिन रात यहां से जानते हैं कि दुश्मन देख रहा है। अगर कोई प्रोफेशन कैरियर अति अति अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो वो सेना का है, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना, डाइट, आपका जीवन की जो प्रणाली है वो इस तरह से है कि आप बीमार नहीं हो सकते, किसी हालत में बीमार नहीं हो सकते। जिस तरह की आप यहाँ पे देखते हैं, हेल्थ हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती है फौज में। इतने वजन के साथ जब सैनिक चढ़ाई चढ़ते हैं तो उनके शरीर से बहुत पसीना निकलता है। इसके बाद उन्हें एम्बुश में बैठना होता है, यानी वो पसीना जम जाता है और शरीर पर, उनके कपड़ों पर बर्फ की एक सतह की तरह जम जाता है। चलिए हम ठंड की तैनाती की कुछ और अकल्पनीय कठिनाइयां आपको बताते हैं। आमतौर पर जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगता है तो नसें जमना शुरू हो जाती है, जिससे उनमें बह रहे खून का बहाव भी कम होने लगता है। ऐसा होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। जब भी 0 डिग्री से टेम्परेचर कम होता है तो स्किन की जो वसल, ब्लड वसल्स है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और ये इसलिए होता है कि वाइटल ऑर्गन्स को, जो अपने बॉडी के ज़्यादा जरूरी ऑर्गन है, उनको खून मिल सकता है। यहाँ से स्किन से खून निकल के उनमें चला जाता है, ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में, किडनी में। लेकिन अगर ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी चल जाती है तो स्किन में बहुत देर तक खून कम होने की वजह से स्किन खराब होने की आशंका होती है। इसके अलावा 14,000 फीट से अधिक ऊंचे क्षेत्र में ऑक्सीजन कम होती है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से चढ़ने उतरने में शरीर की ऊर्जा भी काफी खर्च होती है। कहते हैं 17,000 फीट से अधिक की ऊंचाई इंसानों के लिए बनी ही नहीं। इस ऊंचाई पर लगातार रहने से भूख मर जाती है, नींद की बीमारी होती है और फिर याददाश्त कमजोर होने लगती है। सीधे शब्दों में कहें तो शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है। और कश्मीर के अधिकतर पोस्ट तो इतनी ऊंचाई पर ही होते हैं। देश प्रेम की भावना सैनिकों को आदि से अंत तक इस प्रकार से उनके मनोबल बढ़ाती है कि तपती गर्मी, ठिठुरन वाली सर्दी या बर्फ, कुछ भी हो, मौसम का प्रभाव सैनिक पर नहीं पड़ता है, सैनिक का प्रभाव मौसम पर पड़ता है। और कोई भी मौसम हो, हम अपने कार्य को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि शौर्य की बात है और सैनिकों को शौर्य के लिए जाना जाता है, सराहा जाता है। पीने के लिए पानी बड़ी समस्या है। माइनस में पहुंच चुके तापमान में जब सब कुछ बर्फ में तब्दील हो जाता है तो बर्फ को पिघला के पीने के पानी का इंतजाम किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर यह पानी जीवन भर के लिए पेट में अल्सर की समस्या दे जाती है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने से जो पानी जम चुका है, अभी बर्फ का ही हम पानी बनाते हैं, पिघला के पानी बनाते हैं और इसी से हम खाना या पीने के लिए पानी यूज करते हैं और तैयार होने का भी इसी से यूज करते हैं। ठंड के अलावा जम्मू कश्मीर के जंगलों में स्नो लेपर्ड, भालू, सांप, बिच्छू और दूसरे खतरनाक जंगली जानवर भी कम नहीं है।
इनसे खुद को सुरक्षित रखना भी एक सैनिक के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना दुश्मन की चुनौतियों से निपटना। एक ऐसा दुश्मन जिसके साथ आप लगभग 70 साल एक जंग के माहौल में रहे हैं, उस दुश्मन के दिल में रहम नहीं है, और वो दुश्मन मौका ढूंढता है आपको मारने का, और वो दुश्मन ज़्यादा खतरनाक है, तो हम लोग उसकी तरफ से तैनात रहते हैं। हाँ, जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें रहती हैं जैसे जानवरों को लेकर, उनको संभाला जा सकता है, वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है वहाँ पे। भारतीय सैनिकों का हौसला अद्भुत है, विश्वास अद्भुत है, अनुशासन अद्भुत है, लेकिन उनके शरीर को कैसे बनाया जाता है अद्भुत, वो अविश्वसनीय ट्रेनिंग जिस उम्र में एक आम आदमी अपने करियर के मध्य में पहुंचता है, एक सिपाही को यह फैसला लेना होता है कि वो अब आगे क्या करे, क्योंकि एक सिपाही 45 साल के आसपास करियर का अंत देखता है, लेकिन फिर भी वो ये फैसला लेता है कि हाँ, मैं देश की रक्षा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, जंग में कोई आघात लग जाए, एंटी टेरर ऑपरेशन में कोई इंजुरी हो जाए, तब भी आप सेना से बाहर हैं। यही तो जज्बा है, और इस जज्बे के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। हाँ, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए, वज्र बनाने के लिए जरूर एक ट्रेनिंग होती है। जब तक सांस है तब तक मोर्चे की रक्षा करना है, यही मंत्र होता है भारतीय जवानों का, और यही आखिरी उद्देश्य। जहां हम और आप उम्मीद छोड़ देते हैं, ये वहां अपने हौसलों से नए रास्ते बनाते हैं। आसमान छूती ऊंचाई हो, पाताल जैसी गहराई हो, मौसम अनुकूल हो या प्रतिकूल, ये न रुकते हैं न थकते हैं, और इस सब के पीछे होती है इनकी वो कठोर तपस्या जैसी ट्रेनिंग जो इन्हें बनाती है सरहद का सजग संतरी। जब तक रगों में दौड़ता खून हौसलों की रफ्तार के बराबर न हो जाए, जब तक जिस्म की मांसपेशियां इरादों जैसी चट्टान न बन जाएं, ये हाड़ मांस के इंसान खुद को गलाते रहते हैं। हम आपके लिए भारत सेना के जवान हैं, जो कि आपकी सीमा पर तत्पर तैयार हैं, और कोई भी अनहोनी घटना न होने पाए, यह हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, ताकि दुश्मन हमारी सीमा के अंदर घुसपैठ न कर सके। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को खराब से खराब स्थिति के लिए तैयार रहना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में सैनिकों को नींद, भूख और प्यास को लेकर खास तौर से तैयार किया जाता है। सवेरे 4 बजे शुरू होने वाले अभ्यास में कई दिन 1 से 2 घंटे ही सोने की मोहलत दी जाती है। जंगल या बीहड़ में खाना खोजने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। खाना न मिलने की सूरत में जंगली जानवरों को खाकर या लंबे वक्त तक भूखे रहकर मोर्चे पर डटे रहना सिखाया जाता है। प्यास पर नियंत्रण भी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। खा करके बांस का कोपर, बांस का कंद खा करके मैं गुजर किया, वहां से आते आते जब आया कहा कि लो मैं आ गया हूं। जब तक रहे कोई दिक्कत नहीं है, एक एक महीना लग जाए, कभी हम लोग 71 की लड़ाई में 10-10 दिन तक जो है बिना खाए पिए रह गए। भारतीय सेना को जब एक ऑपरेशन करना होता है, और अगर इसी तरीके के एक पहाड़ पर करना हो जहां पर दुश्मन वहां छुपा हो, जहां पर एक लाल झंडा आपको नजर आ रहा है, तो किस तरीके से भारतीय सेना उसमें हिस्सा लेगी वो दिखाया जा रहा है। भारतीय सेना को पहाड़ पर युद्ध में सबसे सक्षम माना जाता है, और माउंटेन वॉरफेयर टेक्निक सीखने के लिए दूसरे देशों के सैनिक भी हिंदुस्तान भेजे जाते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर सबसे ज्यादा मुश्किल ऑक्सीजन की कमी की आती है। इससे निपटने के लिए सैनिकों को अलग अलग चरण में अलग अलग ऊंचाइयों पर युद्धाभ्यास कराया जाता है, ताकि अचानक किसी भी परिस्थिति में इन्हें मोर्चे पर भेजा जा सके। यहाँ पे एक अवलांच आया था और हमें पता चला कि यहाँ पे एक सिविलियन नीचे गिर गया है, तो हमारी रेस्क्यू टीम जो है यहाँ पे आई और हमने यहाँ पे उसकी जो है रेस्क्यू किया और उसको जो है ऊपर लाया, जिससे उसकी जान बच गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज्यादातर पोस्ट्स ऊंची पहाड़ियों पर हैं। इसके लिए सैनिकों को बैटल ट्रेनिंग स्कूल्स में पहाड़ियों पर मिनटों में चढ़ने की और चढ़कर तुरंत हमला बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में लटकते हुए पहाड़ियां चढ़ना, डबल जंप करते हुए पहाड़ियां चढ़ना और रस्सियों के सहारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर मिनटों में चढ़ना उतरना शामिल है। इलाका काफी एवलांच प्रोन है, और यहाँ हमें और जो आम आवाम है उसको इस कुदरती जलजले से काफी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए कई तरीके की ट्रेनिंग हमारे महकमे में कराई जा रही है, जिसमें कई तरीके का इक्विपमेंट है, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से रेस्क्यू को अंजाम देना है।
हर सैनिक महर्षि दधीची की तरह तपस्या करके मानो अपने शरीर को वज्र बना लेता है। हमने -50 डिग्री में सैनिकों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो आपको दिखाया, लेकिन यही तापमान जब 50 डिग्री के पार हो जाता है तब आती हैं कैसी मुश्किलें। मुझे भूलने में सुख पाती जग की काली स्याही, दासो दूर कठिन सौदा है, मैं हूं एक सिपाही। एक सिपाही की अद्भुत जिंदगी हम आपको दिखा रहे हैं। एक सिपाही जो ये सोचकर नहीं तय करता कि वो ये नौकरी क्यों करना चाहता है। दरअसल वो तो नौकरी करता ही नहीं, वो सिर्फ सेवा करता है देश की। इन लास्ट 2-3 दिन पहले ही एकदम से उनमें चेंज आया और उन्होंने ये निश्चित किया कि नहीं, ठीक है, बहुत पैसा है मर्चेंट नेवी में, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, और उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, मैंने तो आर्मी में कमीशन लेना है और आर्मी ऑफिसर बनना है। PSU का एग्ज़ाम दिया, उसमें फर्स्ट आए, गेम्स के भी यहाँ पे उन्होंने इनको पहले नंबर पे लिया, और उन्होंने जाते ही पहले 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम लिए, उसमें से ये फर्स्ट आए। तीनों में सेलेक्ट हो गए थे, पर उन्होंने कहा मैं दर्जी नहीं बनना, मैंने तो लिफ्ट में तो जाऊँगा नहीं, लोगों को मैंने खाना नहीं खिलाना, तो मैं होटल मैनेजमेंट में नहीं जाऊँगा। पर लड़ने का शौक़ शुरू से ही था, ब्रेवरी थी, क्षत्रिय हैं हम लोग, तो उन्होंने यही आर्मी चूज़ की। चाहते तो जीवन में कुछ भी कर सकते थे, इनकी शख्सियत ऐसी थी कि ढेरों पैसे कमा सकते थे, लेकिन इन्हें इज्जत कमानी थी, देश की सेवा करनी थी, सो सब कुछ त्याग कर चुन लिया फौज को। अद्भुत हैं ये मतवाले, हमारे देश के सिपाही सरकारी नौकरी की लालच में नहीं आते, इन्हें तो लालच है अपनी वीरता दिखाने का, लालच है देश के लिए मर मिटने का। उनका मेन जज्बा था, उनकी यही एक सोच रहती थी कि सिविल में तो सब लोग सर्विस कर लेते हैं और मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं जो आर्मी में मिलेगा तो हम जाएंगे, वरना तब हम करेंगे। ये बातें इसलिए अद्भुत हैं क्योंकि दुनिया में बाकी देशों की सेनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं इकट्ठा करने के लिए अनिवार्य नियम है, पर हिंदुस्तान की सेना में फौजी अपनी मर्जी से आते हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। अगर देश में कभी मुसीबत आए, इतनी बड़ी विपदा आ जाए कि जहां पे आम आदमियों की जरूरत पड़े, तो हाँ, आपके पास एक बड़ा लार्ज पूल ऑफ मैनपावर तैयार रहता है जो कि देश की सेवा कर सके जंग के दौरान। आप लोग कितनी देर तक यहाँ पर रहना होता है, कितने घंटों तक ऐसे ही पोस्ट पर तैनात रहते हैं? मैम इस पे कोई वो नहीं है, सामने कोई नहीं। अच्छा, फिर भी कितने घंटे? 18 घंटे भी हो सकते हैं, 6-7 घंटे, 6-7 घंटे भी होता है। तो ध्यान से देखते रहो कौन दिख रहा है, दुश्मन दिख रहा है कहाँ। जी मैम। तभी तो आंधी तूफान हो या सरहद पार के मौका परस्त किसी से भिड़ने में ये सैनिक एक पल को नहीं हिचकिचाते। ये सैनिक एक ऐसी अकल्पनीय क्षमता लेकर जन्मे हैं कि देश के लिए घर परिवार भूल जाते हैं। मोबाइल फोन के इस युग में ये ऐसे पोस्ट पर तैनात रहते हैं जहां सिग्नल नहीं होते। कंपनी हेडक्वार्टर पर लैंडलाइन फोन होता है, पर सर्दियों के मौसम में बर्फ गिरने की वजह से आवाजाही ही बंद हो जाती है। ऐसे में 4-4 महीने तक ये सैनिक घर से संपर्क नहीं कर पाते। पहले हमको युद्ध क्षेत्र चाहिए, घर बाद में। पहले हमको अपने मातृभूमि की रक्षा चाहिए, बाकी माँ बाप बाद में। देश सेवा कसम खाया हूँ, माँ बाप को छोड़ दो,
और देश सेवा में लग जाओ, वही हमको दे रहा है भोजन, हमारे लड़के नहीं दे रहे हैं, वही दे रहा है। अब जरा ये भी समझिए, आम नौकरियों में हम और आप हफ्ते की एक छुट्टी मारी जाने पर बिलक उठते हैं, पर सैनिकों को अगर ड्यूटी से हर हफ्ते वीकली ऑफ मिलने लगे तो सुरक्षा की तो छुट्टी हो जाएगी, यानी शारीरिक कठिनाई, वो भी 24 घंटे हफ्तों में सातों दिन। हमारा यहाँ नजदीक बॉर्डर लाइन है और फेंसिंग को हम सुरक्षित करते हैं, पूरा दिन रात हमारा जवान यहाँ चौकन्ना रहते हैं, और धुंध वगैरह जब ज़्यादा होते हैं तो हम जो है फुट पेट्रोल, व्हीकल पेट्रोल द्वारा हम इसको फेंसिंग को कवर करते हैं। घर वालों से दूर लगातार अलर्ट के माहौल में रहना कोई आसान काम नहीं होता। शहरी भाग दौड़ में जिस स्ट्रेस से जूझने का जिक्र हम दिन रात करते हैं, उससे कई गुना अधिक स्ट्रेस में काम करने का दबाव समझिए, और ऐसी परिस्थितियों में भी इमरजेंसी में झट फैसले लेने का प्रेशर। उड़ी में जिस वक्त रियर बेस कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था, उस वक्त चेंज ओवर होना था सैनिकों के दो जत्थों के बीच, यानी रिलैक्स होते सैनिक। दरअसल सैनिक रिलैक्स हो ही नहीं सकते हैं, वो आराम फरमा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आतंकियों की नजर उनके पल पल के आराम पर होती है। वाकई भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों से अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और कोई भी नहीं। सेना में भर्ती के लिए किसी भी आधार पर किसी रिजर्वेशन का कोई प्रबंध नहीं है, यानी जो आता है वो प्रतिभा के दम पर, राष्ट्रभक्ति के जज्बे से। इसीलिए हर यूनिट में आपको एक सर्वधर्म स्थल मिलेगा, जहां एक ईश्वर के आगे माथा टेकते हैं सैनिक। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं तो तंबुओं में ही मंदिर बनता है, तंबुओं में ही गुरुद्वारा बनता है, तंबुओं में ही मस्जिद बनती है, और वहाँ ये नहीं है कि आप जो है घंटी बजाकर पूजा कर रहे हैं तो हमारी नमाज में हमें जो है व्यवधान पड़ रहा, बिल्कुल नहीं। भाईचारा है, हर आदमी को पूर्ण स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की आराधना करने का। हमारे सैनिकों को जो बात अद्भुत बनाती है वो है उनका अनुशासन। जब एक सैनिक को आदेश मिलता है तो वो उस पर विचार विमर्श नहीं करता, वो केवल उस आदेश का पालन करता है। हमने आपको भीषण ठंड में तैनात अपने सैनिकों की अविश्वसनीय मुश्किलें बताई, पर जो बात सबसे अहम है वो ये कि भारतीय सिपाही भीषण गर्मी में भी उतने ही सक्षम होते हैं। राजस्थान की उबलती सरहदों पर बीएसएफ के जवान दिन रात मुस्तैद रहते हैं, तो भारतीय सेना यही करती है अपना युद्धाभ्यास। सर्दी के मौसम में हम लोग व्हीकल बुलेट प्रूफ गाड़ी द्वारा रात को पेट्रोलिंग करते हैं, इसके अलावा धुंध ज़्यादा पड़ने का फुट पेट्रोलिंग भी करते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई घुसपैठी आगे घुसपैठ ना कर पाए, और इसलिए हमें दिन 24 घंटे लगातार एक्टिव ड्यूटी करते हैं। इस सरहद पर तापमान 50 डिग्री को पार कर जाता है, रेत की वजह से जमीन तपती है, रेगिस्तानी तूफान में जब कहीं कुछ नहीं दिखता और रेत से शरीर छिल जाता है तब भी जवान अपनी जगह से हट नहीं सकते। अमूमन आतंकवादी घुसपैठ के लिए ऐसे तूफानों की ताक में रहते हैं, इसीलिए एक जगह रहना तो दूर, जवानों को ऐसी कठिन परिस्थितियों में गश्त लगानी होती है। हर सोल्जर में एक सिंघम है, क्योंकि सोल्जर खड़ा है बॉर्डर की रक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और ये आश्वासन देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, जब तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पर खड़ी है तो देश सुरक्षित है, देश शांत है और देश आबाद है। 15 किलो का जो बुलेट प्रूफ और हेलमेट सैनिक ठंडी जगहों में पहनते हैं, वो इस भयंकर गर्मी में भी पहनना जरूरी है। उमस और गर्मी में जब हम सूती कपड़ों और शरबत से घरों में ठंडक हासिल कर रहे होते हैं, ये जवान अपने पूरे हथियारों के साथ लगातार पेट्रोल ड्यूटी पर रहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है मोरल के लिए, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि मैं कश्मीर में तैनात हूँ, जान की बाजी लगा के मैं यहाँ पे लड़ रहा हूँ देश के लिए, लेकिन पीठ पीछे या पीछे मेरी जो फैमिली है वो ठीक है कि नहीं है। तो ये उसको आर्मी हर समय एक आश्वासन देती है कि हम आपके लिए खड़े हैं, आप फिक्र मत करिए, कुछ भी हो जाएगा हम आपको सपोर्ट करेंगे।
अगर ठंड में ट्रिगर से उंगली में फ्रॉस्ट बाइट का खतरा होता है तो गर्मी में जलती हुई ट्रिगर से उंगली ही नहीं पूरे हाथ के झुलस जाने का खतरा होता है। मेरे वतन के लोगों, जरा आग में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सैनिकों की आम दिनचर्या ही अद्भुत नहीं, सैनिकों से जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो भी अद्भुत हैं। चाहे कश्मीर का सैलाब हो या उत्तराखंड की त्रासदी, भारत के जवान अपनी जान की फिक्र किए बगैर उन कठिन परिस्थितियों से जिंदगी भूल लाते। केवल भारतीय सेना ही नहीं बल्कि अर्ध सैनिक बलों के सिपाहियों की चुनौतियां भी कम नहीं होती। नक्सल इलाकों में दिन रात तैनात हमारे सिपाही न्यूनतम संसाधन में लैंडमाइन से लेकर औचक आक्रमण से जूझते हैं। किसी भी आम इंसान के लिए लगातार इतने मानसिक और शारीरिक दबाव में जीना आसान नहीं होता। मनोदिशा हमारे मानसिकता से बहुत ही अटूट तरीके से जुड़ी हुई है। कोई भी हमारी मनोदिशा हो, सोच विचार की धारा हो, हमारा जज्बा हो, हमारा रोज चाल चलन हो, अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या व्यवसायिक जिंदगी में, कहीं पर भी हमारी मनोदिशा पर आँच आती है या प्रेशर बनता है या दबाव बनता है किसी बात का, चुनौती आती है, दहशत होती है, जाहिर है कि बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। और स्ट्रेस जो होता है वो केवल मनोदिशा का या मनोवैज्ञानिक नहीं होता है, वो स्ट्रेस शारीरिक भी होता है, बाद में वो सामाजिक भी बन जाता है, इंसान के रूप रंग में, उसके सोच विचार में, उसके व्यवहार में दिखाई देता है। आपकी जान जा सकती है, आपके हाथ पैर जा सकते हैं, आप अपंग हो सकते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रेस और टेंशन 24 घंटे रहता है क्योंकि आप जंग के माहौल में हैं, तो उससे कोई भी छुटकारा नहीं है। ऊपर से कई सैनिक हैं जिनको घर में अगर कोई परेशानी है तो उसका भी टेंशन रहता है। तो हाँ, टेंशन वाला काम है, शारीरिक और मानसिक टेंशन वाला काम जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी सरहद पार बैठा दुश्मन तो खतरे का एक अंश भर है। जिन परिस्थितियों में हमारे सैनिक रहते हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग वो हासिल करते हैं, जो जज्बा वो देश के लिए रखते हैं, वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। जरूरी है कि हम बस कुछ खास दिनों पर सैनिकों को याद न करें, सिर्फ मुश्किल के वक्त उन्हें याद न करें, बल्कि हमेशा उनके लिए एक धन्यवाद का एहसास हमारे दिलों में होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।